नमस्कार इंडिया समाचार में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ। राम मंदिर आंदोलन के बाद पहली बार शुरू हुए मंदिर निर्माण का दर्शन करने अयोध्या पहुंची भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर सरयू में आचमन कर हनुमानगढ़ी व रामलला का दर्शन पूजन किया। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बताया कि आज अयोध्या धाम आने का सौभाग्य मिला, इससे मन बड़ा ही आह्लादित है कि आज मैं सरयू में अपनी लोकसभा भोपाल के लोगों की तरफ से व सनातन स्वावलंबियों के प्रधानमंत्री गृह मंत्री रक्षा मंत्री सभी के नाम पर आचमन भी की हूँ और सूर्य भगवान को अर्घ भी दूंगी। और एक कार सेवा हुई थी जिसके कार सेवकों के नाम का भी मैंने आचमन किया और जो इस दुनिया में नहीं है परंतु उनकी चेतना प्रभु राम जी के लिए समर्पित है क्योंकि उन्होंने जो बलिदान राम मंदिर के लिए दिया था खाली नहीं गया। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कितनी पीढ़ियां बीत गई इस कार्य के लिए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कार्य कर दिया और अब हम सबको यह सौभाग्य मिला है। वहीं मथुरा व काशी को लेकर मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने कहा कि जहां जहां बेधर्मियों ने हमारी देवी देवताओं के मंदिर और उसे खंडित कर अपवित्र किया है उनका पुनर्निर्माण हमें करना चाहिए और यह साथ साथ सत्य है कि हम पुनर्वैभव और पुनर्निर्माण में विश्वास रखते हैं और हमारे देवी देवताओं को भव्य मंदिर में बैठाना हम सब संतानों का कर्तव्य है। अयोध्या धाम आने का अवसर सौभाग्य मिला, मन बड़ा ही आह्लादित है कि आज अभी मैंने आचमन किया है अपनी भोपाल लोकसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, सनातन धर्मियों धर्मावलंबियों की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, सबके नाम का आचमन किया और प्रभु सूर्य भगवान को अर्घ भी दूंगी। एक कार्य सेवा हुई थी, जो कार्य सेवक थे उन सबके नाम का भी मैंने आचमन भी किया, उनका तर्पण भी किया और जो इस दुनिया में नहीं है परंतु उनकी चेतना प्रभु राम जी के लिए उपस्थित है क्योंकि उन्होंने अपना शरीर का देह त्याग बलिदान जो दिया है रामलला के मंदिर के लिए उनकी चेतना उपस्थित है। हम सदैव जब यहाँ आते हैं तब भी उनको प्रणाम करते हैं, उनकी चेतना को प्रणाम करते हैं और प्रभु उनकी आत्मा का कल्याण करेंगे क्योंकि प्रभु राम जी के चरणों में वो हैं। और हमें ये सौभाग्य जो मिला है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नींव रखी और ये परम सौभाग्य है। कितनी पीढ़ियां बीत गई इस काम के लिए और इस पीढ़ी को हम सबको ये सौभाग्य मिला है तो अद्भुत है, आनंद है, परमानंद है और हम इस अवसर की प्रतीक्षा सभी कर रहे थे और प्रभु सबका कल्याण करेंगे। अद्भुत दर्शन आज मुझे होंगे ये मुझे पता है। अभी सब अपना रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे और सरयू मैया में अभी मैंने आचमन भी किया है, उनको घुमा भी है, भ्रमण भी किया है, बड़ा ही आनंदित है मन। ऐसा कहा जाता है कि अपनी डिक्शनरी में शब्द कम पड़ गए क्योंकि ये अद्भुत आनंद है और जो आनंद परमानंद रहता है उसमें उसको शब्दों में नहीं कह सकते क्योंकि ये तो एक वो भाव है जो हमें आनंद में रखता है। और मैं चाहती भी हूँ कि कुछ बोलूं पर ये लगता है कि कितना क्या बोलूं, इतना अच्छा शब्द मेरे पास ही नहीं आ रहा है। बस प्रभु रामलला की जय हो, प्रभु हम आ गए, आपकी कृपा सदैव बनी रहे, सब पर बनी रहे। आप अयोध्या आए, राम मंदिर तो आप पार लिए, अब मथुरा और काशी को लेकर मोहन भागवत जी ने भी कहा है तो उसको क्या बताएं? देखिए जहाँ जहाँ विधर्मियों ने हमारे जो देवी देवताओं के मंदिर हैं उनको अपवित्र किया है, उनको खंडित किया है, उनका पुनर्निर्माण हमें करना ही चाहिए और ये तो शाश्वत सत्य है कि हम पुनर्वैभव और पुनर्निर्माण में विश्वास रखते हैं और हमारे देवी देवताओं को भव्य मंदिर में बिठाना हम सब संतानों का कर्तव्य है। तो कहीं ना कहीं अब काशी मथुरा के लिए भी आंदोलन होगा? जो भी होता चलेगा, प्रभु करवाते चलेंगे, हम करते चलेंगे।